हेलो एवरीवन, नीलम जी के किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको परमल और आलू की दम। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इस आज मेरे घर कुछ मेहमान आने वाले हैं तो मैं ये रेसिपी आज उनके लिए बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो, देखते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए परमल और आलू का। परमल आलू का दम बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम आलू, मैंने बॉयल कर लिया है इस साइज के आलू को, मैंने 3-4 सीटी लगा के इसे बॉयल कर लिया है। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम परमल और इसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसे और भी इसके बीच से भी कट कर सकती हैं। ये मैंने लिया है मसाला, ये है जीरा पाउडर, यह लाल मिर्च पाउडर, यह धनिया पाउडर, यह टर्मरिक पाउडर और ये मैंने लहसुन को क्रश कर लिया है। ये हम फ़ोरन के लिए मैंने लिया है लाल मिर्च और ये मैंने लिया है बड़ी इलायची और 2 टुकड़े मैंने लिया है दालचीनी के और ये मैंने लिया है क्यूमिन सीड। इन सभी को हम इसका फ़ोरन देंगे। उसके बाद मैंने लिया है ये 2 अनियन, मैंने बड़े से 2 बड़े अनियन मैंने चॉप कर लिया है। ये है ग्रीन चिली जिसे मैंने इस शेप में कट कर लिया है। 1 बड़ा सा टोमेटो मैंने कट कर लिया है इस शेप में और ये धनिया पत्ता गार्निश के। तो आइए अब बनाते हैं हम एक टेस्टी सी रेसिपी। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस ऑन करेंगे और इसे हीट होने तक, हमारा कढ़ाई हीट होता है हम आलू को पीसेज पीसेज कर लेते हैं। आलू को हम बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे इस शेप में, हम आलू को इस शेप में कट कर लेंगे। अगर आलू की साइज बड़ी होगी तो हम 4 टुकड़े कर लेंगे। ये मैंने आलू कट कर लिए। अब आइए कढ़ाई देखते हैं, कढ़ाई हीट हो गया होगा हमारा। हमारा कढ़ाई हीट हो गया है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें हमें परमल फ्राई करना है। परमल फ्राई करेंगे इसलिए तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसमें आप परमल डालेंगे। परमल को लाइट ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद इसे बाहर कर लेंगे। अब परमल फ्राई हो गया है, इसे हम बाहर कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस लाइट ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें हम ये जो हमारा फोरन है इसमें डाल देंगे। अब हो गया, इसमें अब हम अनियन ऐड करेंगे। सॉरी, अनियन ऐड करने से पहले ये जो ग्रीन चिली हमारा है वो भी इसमें हम डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हमारे प्याज का कलर ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम ये जो लहसुन है इसे हम ऐड करेंगे, ये टोमेटो ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे कुछ देर तक कवर कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके रखेंगे जिससे कि हमारे प्याज और टमाटर जो है अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम चाहिए हमें। अब 3 मिनट हो गया है, इसे हम एक बार और चेक कर लेंगे। हमारा प्याज और टमाटर अच्छी तरह से पक गया है, थोड़ा सा गल गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये सारे मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे। मैं गरम मसाला बताना भूल गई थी, सॉरी। सो इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दें। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और अगर बीच बीच में मसाले आप चाहें तो चेक कर सकती हैं, बट अभी तो है 5 मिनट तक ये मसाले सही रहेंगे। 5 मिनट में हम इसे चेक करेंगे। 5 मिनट हो गया है, इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। मसाला तो हो गया है, इसमें हम ये परमल ऐड करेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा टेस्ट और चाहिए
तो आप अशोक का सब्जी मसाला डाल सकते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे मसाले में बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप जो सब्जी मसाला पसंद करती हैं आप वो डाल सकती हैं। अब आलू को भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आलू को मैंने फ्राई नहीं किया है, अगर आप चाहें तो आप आलू को फ्राई कर सकती हैं। अब इन्हें अच्छी तरह मिला लेंगे। इसे 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पे, इसे 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके और रख दें। 5 मिनट हो गया है, हम एक बार अपने सब्जी को और चेक कर लेंगे। एकदम अच्छी सी स्मेल आ रही है परमल आलू दम से, और ये अच्छी तरह फ्राई भी हो गया है इसका मसाला। लेकिन थोड़ा इसका प्याज और अच्छी तरह पक जाए, इसमें मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है, तो इसे और अच्छी तरह पक जाए ताकि इसका ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ हो। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा देर के लिए और 2 से 3 मिनट के लिए और ढक देते हैं। हम सब्जी को एक बार और चेक कर लेते हैं, ये अच्छी तरह हो गया। आप देख सकती हैं ये किनारे से तेल भी छोड़ दिया है और हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई भी हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के अनुसार डाल सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप पानी कम ही डालें, और अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद है तो आप ग्रेवी अपने ज़रूरत के अनुसार डाल लें। इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। वैसे नमक डालने से पहले एक बार अपने सब्जी को आप टेस्ट कर लें, कम या ज़्यादा नमक हो, उसके बाद ही आप नमक ऐड करें। अब इसमें मैं धनिया पत्ता ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल होने देंगे, और सब्जी को इसे दम परवल जो है इसे हम कवर कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम एक बार अपने दम को चेक कर लेते हैं। सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे आइए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा परमल आलू दम बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम थोड़े से धनिए से गार्निशिंग कर देंगे। तो मैंने बताया आज आपको ये बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मुझे बताइए। तो ये बताया मैंने आपको बहुत ही टेस्टी रेसिपी परमल आलू दम, जो बहुत ही टेस्टी होती है, और इसे आप खुद भी बना के खाइए। अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो इसे बनाइए, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे बताइए, और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय।